नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज महाभारत में बात करेंगे आरएसएस के खिलाफ और कैसे वक्फ के साथ वाली साजिश की। आज आपको दो तस्वीरें दिखा रही हूं, तस्वीरें दिखा रही हूं जो बयां करती है कि किस तरह से आरएसएस के खिलाफ एक पूरी साजिश की जा रही है। आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करने की साजिश, उसी के साथ साथ जो आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताना चाहते हैं वो वक्फ बिल में संशोधन नहीं चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि वक्फ का ऐसा कोई भी बिल आए संशोधन के साथ जिससे वक्फ की ताकतें कम हो जाए, और इसी के लिए एक एजेंडा भी फैलाया जा रहा है। आज महाभारत इसी पर करूंगी कि आरएसएस तो आतंकवादी संगठन हो गया लेकिन वक्फ जिस तरह से जमीनों पर कब्जा करता चला गया उस पर कोई शब्द नहीं बोला जाता, आखिर ऐसा क्यों है। आज महाभारत इस पर कर रही हूं क्योंकि सबसे पहले आपको बताती हूं कि वक्फ बिल ना आए इस देश में उसे लेकर कैसे एक पूरा एजेंडा तैयार किया गया है। आपको बताना चाहती हूं कि कैसे वक्फ को लेकर देश भर के मस्जिदों में कल जुम्मे की नमाज के दौरान यह कहा गया कि एक क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए। अब वो आपको बताती हूं कि ये पूरी ये खबर क्या है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पर एक क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहा। क्यों कहा गया? जिससे वक्फ का बिल ना आ सके। वक्फ बिल के खिलाफ ये नई मुहिम चलाई गई और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह मुहिम चलाई है। इसके तहत क्या हुआ है, देश भर में मस्जिदों के बाहर कल जुम्मे की नमाज के दौरान क्यूआर कोड चिपकाए गए। क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय दीजिए यह कहा गया, लेकिन राय क्या देनी है कि वक्फ बिल इस देश में ना आए। बिल के खिलाफ राय भेजने की अपील की गई कि इस पर रोक लगाई जाए। क्यूआर कोड से राय सीधे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगी जो इस पूरे मामले पर विचार कर रही है। अब जुम्मे की नमाज पर बड़ी संख्या में ये मैसेजेस कल देश भर से गए हैं। लखनऊ की ऐशबाग मस्जिद पर भी ये क्यूआर कोड लगे और वहां पर इमाम फिरंगी महली ने इसके बारे में जानकारी दी है। सिर्फ यही नहीं है, जुम्मे पर उन्होंने कहा कि जेपीसी को करोड़ों मैसेज गए हैं, यानी कि कल के दिन। और इसी के साथ साथ इस बिल को लेकर कर्नाटक सीएम से भी मिले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और उनका आभार जताया है कि उन्होंने इसके खिलाफ विरोध जताया है। आपको तस्वीरें दिखाती हूं मैं क्या बात कर रही हूं, तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि कैसे कल देश भर के मस्जिदों से ये तस्वीरें आई और मस्जिदों में कैसे वहां पर तस्वीर दिखा दीजिए जरा, वहां पर कैसे ये तस्वीरें सामने आई और वहां फुल स्क्रीन चला दीजिए तस्वीर। नहीं देखिए, क्यूआर कोड चिपकाए गए मस्जिदों के बाहर और वहां जो लोग आ रहे थे जुम्मे की नमाज पढ़ने उनसे कहा जा रहा था आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और भेजिए और ये अपनी राय रखिए कि इस देश में ये संशोधित वक्फ बिल ना आए। तो ये तस्वीरें लखनऊ से आ रही हैं, उसी क्यूआर कोड को आप देख रहे हैं और लोगों ने वहां जाकर उसको स्कैन किया और ये राय भेजी कि इस देश में ये बिल नहीं आना चाहिए। अब इसी के साथ जो लोग वक्फ बिल के समर्थन में ये क्यूआर कोड भेजने की बात कर रहे हैं वो आरएसएस के खिलाफ एक नफरती एजेंडा चला रहे हैं, यानी वक्फ के साथ लेकिन आरएसएस के खिलाफ उसे आतंकी संगठन घोषित करने की मुहिम। आरएसएस के खिलाफ इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ और प्रयागराज के मदरसे में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, पुलिस ने वहां से लोगों को गिरफ्तार किया। आरएसएस को बताया सबसे बड़ा आतंकी संगठन इन दस्तावेजों में बताया जा रहा है, वो भी चल रहे नीचे आप देखिए जरा। गजवाए हिंद की साजिश का भी वहां खुलासा हुआ और मदरसे की आड़ में कैसे ये साजिश चल रही थी जिससे कि आरएसएस को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए। बिहार में, बिहार के पटना में भी ऐसे ही दस्तावेज मिले थे, आपको याद होगा वहां दस्तावेज मिलने के बाद एक्शन हुआ था। लेकिन यहां प्रयागराज में जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा था कि इस देश का और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन आरएसएस है, यह गंभीर खतरनाक साजिश है जिसका खुलासा हुआ। और मौलाना तौकीर रजा ने भी यह बात कही कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है जिसे बैन किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि जो राजनेता चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आरएसएस को बैन करो, आरएसएस नफरत फैला रहा है, क्या उन्होंने ही ये बीज बोए कि आरएसएस आतंकी संगठन इसे बैन किया जाए? लेकिन वक्फ कुछ गलत नहीं कर रहा है यह भी बताने की कोशिश, ये रिपोर्ट पहले देखी।
बिल के खिलाफ देश भर की मस्जिदों से कल ही QR कोड वाला एजेंडा चलाया गया। मकसद वक्त संशोधन बिल को रोकना था। इसके लिए जुमे की नमाज के लिए आए आम मुसलमानों ने इस QR कोड के जरिए JPC को वक्त बिल में संशोधन के खिलाफ राय भेजी। ये एजेंडा वैसे तो AIMPLP ने चलाया था, लेकिन हर शहर के मुसलमानों को इसमें शामिल किया गया। लखनऊ की मस्जिदों में भी यही QR वाला एजेंडा चलाया गया। वक्त बाय यूजर जो कि वक्त कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो खत्म करने की बात कही जा रही है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोगों का मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं। हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान में है उसका विरोध करने वाले अब कह रहे हैं कि वक्त के अमेंडमेंट का विरोध करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करें। ठीक है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु ये विरोध है गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का और मुस्लिम समाज के उन लोगों का जिनको वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं मिलता। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ RSS के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। मौलाना तौकीर रजा ने RSS को आतंकी संगठन बताकर RSS, VHP सहित बजरंग दल को बैन करने की मांग की है। इसके अलावा प्रयागराज के एक मदरसे से मिले साहित्य में भी RSS को आतंकी संगठन बताने की कोशिश की गई है। RSS आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ, RSS पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां अच्छी नहीं है, समाज को बांटने की गतिविधियां हैं, सांप्रदायिकता बढ़ाने की गतिविधियां हैं, हिंदू मुसलमान करने की गतिविधियां हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों की वक्त से यारी और RSS के खिलाफ साजिश पर महाभारत छिड़ी। BJP की तरफ से ऐसे कट्टरपंथियों पर प्रहार किया गया। BJP नेताओं का साफ कहना है कि RSS एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश को जोड़ने का काम करता है। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं कि कैसे मीडिया में सुर्खियों में आ सके। सच बात यह है कि आज कौम के भीतर ही अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह से खो चुके हैं। आज कौम के लोग भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ये मांग कुछ सिरफिरे लोग बहुत पहले से उठाते रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों जो है वो राष्ट्रवादी संगठन है, ये दोनों राष्ट्र के लिए है, तो ऐसा संगठन जो है वो आतंकवादी नहीं। वक्त संशोधन बिल और RSS के खिलाफ में जिस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है उससे साफ है कि कट्टरपंथी ताकतें देश में एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। ये कट्टरपंथी ताकतें देश के आम मुसलमानों में भ्रम फैला रही हैं, अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। ऐसे में सवाल